କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି କାହାଣୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା। ଆଜି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ କରି ପାଦ ଧୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୋଲାଙ୍କି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର ବାବା। ନମସ୍କାର। ଆମର ଜିଏଚ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ, ତ ଆପଣ ଏ ଚିଜ୍ କେ ଲିଏ କେସ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆପକୋ କ୍ୟା ଲଗା ଅଭି ରହି ହୈ ଚିଜ୍? एक्चुअली मेरा जो ये जर्नी है स्ट्रगल का, इट्स बिन ओवर 3 ईयर्स। पहले मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ मॉडल, देन डूइंग सम प्रोफेशनल टेलीविजन कमर्शियल्स, प्रिंट एड्स, शूट्स, मैगजीन्स एंड एवरीथिंग। आई गॉट टू हियर अबाउट दिस फिल्म, तो थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू दिस फिल्म, एंड वेन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर साइंड मी, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली माई लाइफ फर्स्ट मूवी, बहुत एक्साइटेड थी। अभी भी कभी भी मैं आती हूँ सेट में बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस इंडस्ट्री में मुझे रहना है, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड आगे भी स्ट्रगल करना होगा, बिकॉज वंस यू गेट अ मूवी उसके बाद से असली जिंदगी स्टार्ट होता है, असली खेल स्टार्ट होता है। सो यस ऑब्वियसली हमने सुना है कि आपकी जो बचपन का जो कहानी है बहुत रोमांटिक था, बहुत खेल कूद भी कर रहे थे उसके। एक्चुअली टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं बचपन में कभी सोची नहीं थी कि इस लाइन में आऊँगी, बट हाँ कभी भी मिरर के सामने जाती थी तो सजना सवरना वॉज ऑलवेज माई थिंग। तो उस टाइम में कभी सोचा नहीं था कि कभी एक्ट्रेस बन पाऊँगी। तो वेन आई केम टू ओडिशा और मुझे एक्सपोजर मिला कॉलेज से, किट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिलने से आई स्टार्टेड मॉडलिंग, एंड इन द लाइन आई गॉट दिस फिल्म। सो ऑटोमेटिकली हो गया, कोई नहीं सोचता है कि कोई कभी एक्ट्रेस बनेगी, तो उस हिसाब से मैंने भी कभी सोचा नहीं था, बट हो गया थैंक्स टू गॉड एंड ऑल्सो माई फ्रेंड थ्रू होम आई गॉट दिस फिल्म। तो आपने वेस्ट बंगाल से बिलोंग किया है, उड़ीसा का लैंग्वेज मतलब डिफरेंट है, हाँ आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम? एक्चुअली इन द इनिशियल डेज ऑफ माई लाइफ इन ओडिशा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट देन वॉट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ मी इज उड़िया लैंग्वेज मुझे समझ में आ जाता है। माई मॉम कैन नॉट अंडरस्टैंड, माई डैड कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट देन मुझे समझ में आ जाता है, मे बी ये कुछ कनेक्शन है, मे बी आई वॉज मेंट फॉर दिस लाइन, सो आई अंडरस्टैंड उड़िया एंड टिके टिके मूवी कही पारी भी राइट नाउ। सो ऑब्वियसली अभी उड़िया लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है, बिकॉज टू बी इन दिस लाइन इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। ये वेस्ट बंगाल बंगाली और उड़िया, उसके बाहर जो भी और कौन से लैंग्वेज आपको पता है? हिंदी एंड संस्कृत, इंग्लिश। तो ये अभी जो चल रहा है, अभी प्रेमी दीवाना एक फिल्म है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेमी दीवाना जो मेरा फिल्म है उसमें आई एम द लीड एक्ट्रेस, एंड रुद्र भाई एक्टर हीरो ऑफ द फिल्म, और भी बहुत सारे लीडिंग कैरेक्टर्स है इस फिल्म में। दिस फिल्म इज़ एक्चुअली अबाउट अ स्ट्रगलर जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती है, उनको कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इंडस्ट्री को कैसे वो फेस कर रही है, उसी के बारे में फिल्म है। दिस इज़ अ रोमांटिक फिल्म, उसको किसी से प्यार होता है, पहले जिससे प्यार था उससे क्या हो रहा है, द होल थिंग टू नो ऑब्वियसली फिल्म को तो देखना ही पड़ेगा। सो इट्स एक्चुअली हीरोइन का जो लाइफ है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपना कदम बनाया है इंडस्ट्री में, इट्स ऑल अबाउट दैट। टोटली अगर एक फिल्म को अगर हम 2-3 लाइन में अगर बोला जाएगा तो क्या कहना चाहिए? इट्स अ स्ट्रगलर फिल्म ऑफ एन सिंपल गर्ल हु वांट्स टू बी अ हीरोइन, हु वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस, एंड एक अच्छा खासा नाम बनाना चाहती है अपने फिल्म इंडस्ट्री में, विच इज़ एक्चुअली अगर देखा जाए तो बींग द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस फिल्म, मैं खुद को अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इट्स लगभग सेम मेरे लाइफ के साथ, दिस कैरेक्टर गोज वेरी नाइसली, सो मुझे भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ टू बी इन टू द शूज ऑफ रितिका पटनायक। तो फिर आपने अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या मतलब महसूस क्या करेंगे आप? मैं एक्चुअली सबको को बोलना चाहूँगी कि मेरे यूनिट में जो जितने भी लोग हैं, सारे लोग बहुत हार्डवर्क किए हैं, इंक्लूडिंग मी एंड ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर, बहुत बहुत वर्क किया है हम लोगों ने, रात भर तक भी शूट चलती थी। सो आई विश आप लोग सब जाओ व्हेन द फिल्म रिलीजेस, एंड आप लोग बहुत सारे शुभकामनाएं दीजिए सो दैट इट गेट्स अ हिट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर। थैंक यू जनता, हमने आप कोशिश कर रहे हैं, ये फिल्म बहुत बढ़िया है और बहुत मेहनत भी हुआ है, और ये जो हमारा आनंद कुमार उन पर बहुत मेहनत भी किए हैं, और हमारा रुद्र भाई भी बहुत मेहनत किए हैं, और बहुत बढ़िया जुटीदार भाई भी है, और
बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया, क्योंकि मतलब ये एक हिस्ट्री करने वाला फिल्म है। तो आप देख लीजिए, हम भी कोशिश करेंगे ये सुपर डुपर हो, हम कोशिश करेंगे जनता किसी स्वप्न किसी कहानी के ये रखुचु, पुणी देखा हम आगामी अध्याय नुआ एक अतिथि सह।